दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए। हाइट बढ़ाने की कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी जो हाइट है नॉर्मली 10 से 15 दिन में 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी अगर वो आप एक्सरसाइज डेली सुबह शाम रूटीन से करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो आपको ये करना है, कर ये देखिए पहली एक्सरसाइज ये करना है आपको। इस पोजीशन में आपको ये देखिए चलना है, इससे आपका ये इस पे खिंचाव आता होगा और ये थोड़ा खिंचेगा। अच्छा ठीक, ऐसे आपको 10 से 15 मीटर तक ऐसे चलते जाना और इसके 3 सेट आपको मारने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है। इससे ही होगा ये, आप दे देखिए या आपका इस पोजीशन में बिल्कुल खिंचाव आ रहा होगा। हमारी लंबाई बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये एक्सरसाइज है। दोनों साइड आपको ये करना है और 10 से 15 बार इधर होना है, 10 से 15 बार इस साइड होना है और इसके भी आपको 3 सेट मारने हैं। ये आपको डेली वर्कआउट के बाद सुबह शाम जब भी आप वर्कआउट करते हैं सुबह शाम उसको वर्कआउट करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये देखिए आप, ये हम तो यहाँ पे ग्राउंड में कर रहे हैं, आप ये बैनर है या घर पे आप करें तो आराम से करिए। ये देखिए इस पोजीशन में आपको ये देखिए आप, यहाँ पे आपका ये पूरा इस पे खिंचाव आ रहा है। अभी ये करेंगे आप, ये पीछे पूरा बैक में खिंचाव आ रहा है, ये लंबाई बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसको आपको 30 से 25 सेकंड तक ये रुके रहना है इस पोजीशन में और इसके 3 सेट आपको मारने हैं डेली सुबह शाम। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो ये एक्सरसाइज होगी, आ जाओ बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये देखिए आप इस एक्सरसाइज में ये पूरा आपका ये बिल्कुल खींच रहा होगा, आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हर एक्सरसाइज से कहाँ पे खिंचाव आ रहा है। ये एक्सरसाइज में आपको 45 से 1 मिनट तक ऐसे ही रुके रहना है और इसके भी 3 सेट आपको मारने हैं वो भी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये देखिए, बंद करते बंद। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो ये करना है, ये देख लीजिए आप, ये डंडा हमने बांध रखा है हम जहाँ पर वर्कआउट करते हैं, इस डंडे पर होगी अब ये एक्सरसाइज होगी, लटकने की एक्सरसाइज है ये। तो आप अपने घर पर या जहाँ भी आप वर्कआउट करते हैं वहाँ पर भी ऐसा एक डंडा बांध लीजिए, अगर आपकी लंबाई कम है तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए। तो ये पहली एक्सरसाइज जो डंडे पर लटकने वाली है वो ये है, देख लीजिए आप, ये आपको लटक कर ये आपके पैर बिल्कुल ऐसा, ये देखिए स्टेप जो ये भाई कर रहा है ऐसा स्टेप आपको करना है। इससे ये देखिए आप खिंचाव आएगा, आप कर ये एक्सरसाइज जितना आप करेंगे तब आपको इसका पूरा पता चल जाएगा कि इससे क्या होता है। ये आप करना है आपको, इसके भी 3 सेट मारने, जितना आप जितनी बार आप पैर उठा सके उतनी बार, 5 से 6 बार ही आप पैर उठा पाएंगे तो आपको ये करना है, इसके 3 सेट आपको मारने। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आप देख लीजिए, ये देखिए आप डंडे पर आपको लटक कर ये ऐसे आपको झूलना है, झूलने से आपकी लंबाई बढ़ने में ये हेल्पफुल करेगा। ये देखिए आप इस पोर्शन में खिंचाव आ रहा होगा ये जो है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज डंडे पर आपको करनी है वो ये करनी है, उल्टा लटकना है आपको, ये देख लीजिए आप, ऐसे आपको लटकते रहना है 30 से 45 सेकंड तक। लेकिन भाई ध्यान भी रखना यार, उल्टा लटको तो अपने पैर बिल्कुल मतलब मजबूती से फांसना, वरना गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी फालतू में, फिर बोलोगे भाई यार ये क्या हो गया। आपको ऐसे लटके रहना है, उल्टा लटके रहोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको उल्टा लटकने से। 30 से 45 सेकंड तक आप रुकते रहिए, ऐसे रुके रहेंगे इस पोजीशन में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। उल्टा लटकने के साथ साथ आप ये देख लीजिए, ये हमने एक कट्टा बांध रखा है, इसमें थोड़ी वजन हमने रख रखा है, 10 से 15 किलो वजन होगा और ये उल्टा लटकने के बाद इस भाई को हम ऐसे दे देंगे, ये देखिए आप। तो ये वजन आप जब अपने हाथों में पकड़े होंगे तो बहुत ज्यादा खिंचाव इस पर आएगा और ये लंबाई बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये आपको 10 से 15 सेकंड तक इस पोजीशन में ऐसे ही पकड़े रहना है।
तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप वजन के साथ उल्टा लटकेंगे तो। अब इसके बाद जो ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आप देख लीजिए क्या करना है। इसके लिए आपको दो लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, एक ऐसे खड़ा रहेगा जिसको एक्सरसाइज वो वाली नहीं करनी है और दूसरा जिसको एक्सरसाइज करनी है वो ये होंगे भाई, दूसरा भाई जो होगा वो ये होगा। अब देख लीजिए ये एक्सरसाइज आपको कैसे करना है। ऐसे इस पोजीशन में इसको ये कर लेना और ये जो दूसरा बंदा होगा वो ऐसे थोड़ी कमर को अपनी करेगा नीचे के लिए ताकि जिसका इसका ये कमर पर स्ट्रेच आना चाहिए और उतना स्ट्रेच आप देख लेना जितना आपको मतलब कंफर्टेबल महसूस हो उतना ही आपको स्ट्रेच करना वरना खिंचाव आ सकता है। इस पोजीशन में ये आपको देखिए कम से कम 30 से 45 सेकंड तक आपको ऐसे रुके रहना है, लेकिन इसको आप देख लेना दो लोगों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करना है, इसके 3 सेट आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको इससे एक्सरसाइज मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है 4 से 5 एक्सरसाइज जो है ये आपको ये दिन में 2 बार करनी है, एक बार जब आप सुबह वर्कआउट करते हैं उसके बाद करना है, एक बार आप जब शाम को वर्कआउट करते हैं उसके बाद करना है। ये एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है, कम से कम 15 से 20 दिन आपको इसको करेंगे तब इसको आपको जो बेनिफिट है वो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको इसको डेली करना पड़ेगा तब आपको आपकी जो लंबाई है उसमें आपको फर्क दिखेगा। और ये एक्सरसाइज आप नॉर्मली कर भी सकते हैं लेकिन जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक अपने साथी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अपना एक साथी देख लीजिए उसके साथ आप भी ये लास्ट वाली एक्सरसाइज करना, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना लास्ट वाली एक्सरसाइज। जय हिंद। अगर चैनल आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। राम राम।